अपनी नई वीडियो के साथ। और इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रैंडी ऑर्टन वर्सेस शेमस का मैच, जो कि समर स्लैम 2015 का मैच है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना मैच है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है आप लोगों ने, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाए। इसी के बाद हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर रोमन रिंग वर्सेज जो है वो ब्लड लाइन का मैच चल रहा होता है, द ब्लड लाइन वर्सेज आर के ब्रो। यहाँ पे आर के ब्रो एंड ड्रू मैकइंटायर की टीम के साथ मैच चल रहा होता है द ब्लड लाइन का रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर 2022। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो इन लोगों का मैच चल रहा होता है, और ये जो है वो इनका बैकलैश का मैच होता है, और इसके अंदर जो है वो यहाँ पे रोमन रिंग्स होते हैं, जे उसो होते हैं और जिमी उसो होते हैं, और दूसरी साइड जो है वो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर होते हैं, आर के ब्रो होते हैं और रैंडी ऑर्टन होते हैं नेक्स्ट टीम के अंदर। इसी के बाद जो है वो एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरीके से ये लोग मार रहे होते हैं, बट इतने में ही जो है वो यहाँ पे पीछे से एंट्री होती है रोमन रिंग्स की, और रोमन रिंग्स को जो है वो ये भी मारना शुरू कर देते हैं। रोमन रिंग काफ़ी बुरी तरीके से रैंडी ऑर्टन को मारते हैं, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है वो रोमन रिंग्स से गलती हो जाती है, रैंडी ऑर्टन को नीचे फेंक देते हैं। इतने में ही जो है वो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर की एंट्री होने वाली होती है, और आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर की जो है वो एंट्री हो जाती है, और वो जो है रोमन रिंग्स को उठा के स्टील स्टेप्स के अंदर घुसेड़ देते हैं। इतने में ही जो है वो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ड्रू मैकइंटायर काफ़ी गुस्से में होता है और रोमन रिंग्स के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा दिखाता है। तो यहाँ पे रोमन रिंग्स उठने की करते हैं, तो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर जो है वो अनाउंस टेबल की तरफ जाता है। अनाउंस टेबल की तरफ जाने के बाद ड्रू मैकइंटायर जो है वो उसके टेबल को उठा के फेंक देता है दूसरी तरफ, और जो है वो अनाउंस जो डेस्क है उसको खाली कर देता है पूरा रोमन रिंग्स को उसके ऊपर फेंकने के लिए। इतने में ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोमन रिंग्स को उठाने के लिए जाता ही है ड्रू मैकइंटायर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रोमन रिंग्स की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत होती है, और इसी के बाद जो है वो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर रोमन रिंग्स को उठा के अनाउंस टेबल की तरफ लेके जाते हैं। तो मज़ीद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पे रोमन रिंग्स को उठा के ड्रू मैकइंटायर यहाँ पे लेकर आते हैं, और उसी के बाद जो है वो यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को डिस्टर्ब कर देते हैं जिमी उसो आकर, और यहाँ पे रोमन रिंग्स को इतने में टाइम मिल जाता है, और रोमन रिंग्स जो है वो ध्यान ड्रू मैकइंटायर की तरफ पर रखता है, और इतने में ही जैसे ड्रू मैकइंटायर आता है तो रोमन रिंग्स उसको उठा के अनाउंस टेबल के ऊपर फेंक देते हैं, मैकइंटायर टू द टेबल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैकइंटायर को उठा के यहाँ पे नीचे फेंक देता है ड्रू मैकइंटायर को, और उसी के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमन रिंग्स को टाइम मिल जाता है अपना जो है वो काम करने का। तो जैसे ही रोमन रिंग यहाँ पे जिमी उसो को उठाते हैं, जिमी उसो को उठा के पप्पी कर लेते हैं, मींस किस कर लेते हैं, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर से जो है वो जिमी उसो ने बचा लिया होता है रोमन रिंग्स को। इतने में ही जो है वो फ्लाई करके आर के ब्रो आते हैं और रोमन रिंग्स और जिमी उसो के ऊपर कूद जाते हैं। उसी के बाद जो है वो ऊपर रिंग के अंदर से ही इनकमिंग जे उसो होते हैं, जे उसो जो है वो भागते हुए जाते हैं और दोबारा से फ्लाई कर देते हैं आर के ब्रो मीन्स रिडल के ऊपर। इसी के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सारी की सारी जो है वो बॉडीज़ इनके सामने पड़ी होती है, और फिर जो है वो बगैर टाइम वेस्ट किए यहाँ पे जो है वो जे उसो रिडल को उठा के रिंग के अंदर फेंकते हैं, और उसी के बाद जो है वो मेन इवेंट जे उसो जो है वो बाकी की जो प्लानिंग के मुताबिक ये मैच चल रहा होता है फिर उसको कम्प्लीट करते हैं। इसी के बाद जो है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिडल जो है वो सबसे पहले नी मारते हैं जे उसो को, उसी के बाद जे उसो सुपर किक मारते हैं, फिर उसी के बाद आप लोग देख सकते हैं जे उसो अगेन एक सुपर किक मारते हैं, और यहाँ से ब्रॉल इन लोगों का स्टार्ट होता है। फटाफट से जे उसो जाते हैं और ऊपर से ही जाते के साथ ही ऊपर चढ़ते हैं रिंग पोस्ट से फ्लाई करने के लिए, स्प्लैश मारने के लिए रिडल के ऊपर। तो इतने में ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जे उसो जो है वो काफ़ी बुरी हालत के साथ जो है वो चढ़ रहा होता है, कोशिश करता है कि मैं जो है वो फटाफट से ऊपर चढ़ जाऊँ रिंग पोस्ट के और फिर जो है वो स्प्लैश मार के रिडल को यहाँ पर मैच ख़त्म कर दूँ। बट इतने में ही आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो यहाँ पे चढ़ते हैं और फिर जो है वो यहाँ पे इन लोगों का ब्रॉल ख़त्म हो जाता है। ये मैच जो है वो अभी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, आप लोग वेट करिएगा। अगर आप लोगों को इसके पुराने पार्ट्स देखने हैं तो आप लोग ऊपर आई बटन